आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इस गमले का स्टैंड। जैसे कि बड़ा गमले का भी बना सकते हैं हम, छोटे का भी बना सकते हैं। तो इसको हैंग करने के लिए हम जैसे कि अंदर ही दीवार में टांग सकते हैं, तो इसका स्टैंड बनाएंगे। तो स्टैंड कैसे बनेगा, तो चलिए हम इसमें ये वायर लिया, 8 वायर लिया है, इसको 3-3 मीटर कट करके तैयार कर लिया। 8 मैंने ये वायर लिया है, मैक्रेम का धागा, और एक ये 6 नंबर की रिंग ली है। और इसमें मैं मोती वगैरह कुछ नहीं डालूंगी क्योंकि इसमें ये गमला ही रखना है। और इसमें नीचे बेल्स लगा दूंगी क्योंकि बेल्स अच्छी लगेंगी नीचे, तो रेड कलर की बेल्स ली है। और एक रिंग बस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, एक रिंग और ये 8 धागे और बस ये बेल्स। तो इसको बीच सेंटर में ऐसे फोल्ड कर लेंगे हम, सबसे पहले ये इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये फोल्ड करने के बाद में हम इधर से ऊपर से स्टार्टिंग कर रहे हैं इसकी बनाने की। तो चाहे तो हम इसको ऐसे भी प्लेट सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, अलग से एक धागा ले लेंगे और धागा लेके और फिर उससे इसको ऊपर से बीच सेंटर से थोड़ा सा छोड़ के, मतलब ऐसे बीच सेंटर से ही करना है इसको, ये इस तरीके से। तो इस धागे से हम इसको थोड़ा सा बना देंगे, जैसे नोट्स लगाते उसी तरीके से इसको स्टार्टिंग में इधर से ऐसे। ये देखिए इधर मतलब नोट्स लगा देंगे जितना फोल्ड हम करेंगे उसमें हैंग करने के लिए, तो अलग से धागा डाल के इधर और फिर हैंग कर देंगे। देख सबसे बिल्कुल सिंपल है, बहुत अच्छा लगेगा, घर में कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं हम। ये जो इसमें प्लांट लगी है ये अंदर की है, छायों में होने की, धूप में नहीं, तो इसमें कहीं भी हम हैंग कर देंगे, टांग देंगे कहीं भी। अभी देखिए इसमें मैं 8 नोट्स लगा लेनी, आप ज़्यादा भी लगा सकते हो। 8 नोट्स लगा के हम इस तरीके से इसको करके देखेंगे। तो इस तरीके से करने के बाद में ये ही धागा लेके इधर इसको हैंग कर देंगे हम ऐसे, तो इसी को हम हैंग हो जाएगा, तो इसी धागे से ऐसे कवर कर देंगे इसको इस तरीके से। तो इसमें धागा और डाल के हम ऊपर हैंग कर सकते हैं। धागा इसको कट करके हम इधर ही लाइटर की मदद से इसको चिपका देंगे। देखिए इधर ऊपर हैंग करने के लिए बन गया अच्छे से। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 4 इसमें वायर लेना है, जो सब में लेते हैं इस तरीके से 4 वायर लेना है। और ये इस तरीके से बनाते हुए हम नीचे लेके जाएंगे, लास्ट में जहाँ पे हम ये गमला रखेंगे उधर ही हम रिंग लगाएंगे। बिगर रिंग भी हम बना सकते हैं, लेकिन मैं रिंग वाला में अच्छे से वो गमला रखा रहेगा, इसलिए मैं रिंग लगा रही हूँ। तो इसी तरीके से इसको बनाते हुए इसमें 4 रस्सी बनाएंगे हम, 6 भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 4 बना रही हूँ, 4 में अच्छे से हैंग हो जाएगा। तो 8 धागा लेंगे तो डबल धागा हो जाता है फोल्ड करने के बाद में, तो इसमें 4-4 धागा लेके ये इसी तरीके से 4 रस्सी बनाएंगे, जितनी लेंथ देंगे हम उतनी। देखिए ये स्टार्ट हो गई, इसी तरीके से 3 और बनाएंगे। अभी देखिए यहाँ तक बना के हम तैयार कर दिए, इसमें यहाँ तक हम 18 नोट्स लगा दिए, तो ये इतनी बनके तैयार हो गई। तो इसके बाद में हम दूसरी डिज़ाइन इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। तो दूसरी डिज़ाइन जैसे कि हम दोनों तरफ लेके ये नोट्स लगा रहे थे, तो अब इसमें हम एक ही तरफ नोट्स लगाएंगे, तो बल बल की डिज़ाइन आ जाएगी बनके। इसमें राइट हाथ की तरफ ये ऐसे निकालेंगे तो ये डिज़ाइन चेंज हो जाएगी, ये इस तरीके से।
अभी देखिए फ्रेंड, यहाँ से और यहाँ तक देखिए, बीच में मैंने ये डिज़ाइन दी थी, इसमें जो मैं बता रही थी इसमें डिज़ाइन ही चेंज करनी है। इधर से स्टार्टिंग ये डिज़ाइन, फिर ये और फिर ये, तो लास्ट हम यहाँ तक बना चुके हैं इसमें। तो ये रिंग सेट कर देते हैं। तो रिंग सेट करने से पहले हम रस्सी देखनी है कौन सी कहाँ पर आ रही है। तो इसको इस तरीके से अंदर लेके और इसको रिंग को इस तरीके से रख के इसके ऊपर, और हम इसी में से ये धागा ऐसे निकाल लेंगे। देखिए टाइट कर देंगे इधर बिल्कुल, इसको ऐसे सटा के और ऐसे। देखिए एक बार हम निकाल चुके तो सेकंड बार भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। ये देखिए, वैसे तो दो बार निकालते लेकिन हमें रिंग कवर करनी है तो चार से पांच बार हम एक धागे को ऐसे निकाल देंगे। ये पाइपिंग निकलती है ऐसे, तो ये देखिए ये अटैच हो गया। तो सेकेंड धागा भी हम इसी तरीके से, ये देखिए फर्स्ट इसी में से ऐसे निकाल लेना है, ये देखिए ऐसे, और फिर ऐसे इसी में से निकालते, नोट सा भी लग जाता है, ये पाइपिंग सी निकल जाती है। ये देखिए ऐसे टाइटली इसको थोड़ा खींच देना तो अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इसी तरीके से चारों रस्सी हम इसमें सेट कर देंगे रिंग में। अभी देखिए इसमें ये सेट कर दिए रिंग, हम सेट करने के बाद में ये दो तीन तीन इसमें पाइपिंग लगा दिए हम, मतलब चारों तरफ। फिर भी ये गैप रह रहा है, गैप रह रहा, तो इसमें एक एक वायर और डालेंगे हम। ये देखिए 1 मीटर का वायर ले लिया और ये डाल के हम इस तरीके से इसको पाइपिंग निकाल के कवर कर देंगे। ये देखिए ऐसे, ये चारों तरफ चार वायर और डालेंगे इसमें। ये देखिए इधर ये कवर हो गया। तो अब इसी ही तरीके से हम इसको इस साइड में भी ये पाइपिंग लगाएंगे ऐसे। देखिए इधर की ये रिंग कवर हो गई, तो इस इधर भी हम इसी तरीके से एक वायर डालेंगे, चारों तरफ इसी तरीके से हम वायर डालेंगे और नीचे फिर टोकरी सी बना देंगे और रखने के लिए। ये देखिए ऐसे। अभी देखिए रिंग को पूरी को कवर कर दिए, जैसे केक की वायर डाले हम, लेकिन ये पूरी रिंग हमारी कवर हो चुकी। कवर होने के बाद में हम इस तरीके से इसमें गैप छोड़ छोड़ के नोट्स लगाएंगे। ये चार वायर पकड़ के हम इसमें इतना सा गैप छोड़ेंगे, क्योंकि गुलदस्ता रखने के लिए इसी ही तरीके से ये टोकरी बनके तैयार होएगी। ये देखिए इसमें ऐसे इतना हम गैप छोड़ दिए, फिर इसमें एक नोट्स लगा दी। तो चारों तरफ ऐसे चार चार वायर पकड़ के हम सबसे पहले एक एक नोट्स लगाएंगे इसमें। एक एक अंगुली का इसमें गैप छोड़ना है, मतलब जाली सी बन जाए, और रखा हुआ गमला भी इसमें ये ऐसे। अभी देखिए इसमें एक एक नोट्स हम चारों तरफ लगा दिए, एक एक नोट्स चारों तरफ लगा दिए। तो इस तरीके से इस नोट्स के भी दो वायर लेंगे हम, और इस नोट्स के भी, इनका दोनों के बीच में फिर से हम ऐसे ही नोट्स लगाना है जैसे कि अभी लगाए थे ऐसे। दोनों को धागे को ऐसे बराबर पकड़ के खींचना है और इसी ही तरीके से इनके बीच में एक लाइन नोट्स की और लगाएंगे ये ऐसे। देखिए अब ये जाली सी बन के आ गई, देखिए ऐसे, और हर के बीच में जैसे कि इसी तरीके से हम एक लाइन नोट्स की और लगा देंगे। अभी देखिए यहाँ तक हम तीन तीन इसमें नोट्स लगा लिए। तो ये जैसे कि हम जो भी साइज का गमला लेते हैं उसको डाल के देख सकते हैं कि कितना उसमें बनाने की जरूरत है। तो यहाँ तक तीन नोट्स में मेरा ये जाली सी बन के अच्छे से आ गई, और ये बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा गमला मेरा, अच्छे से इसमें सेट हो गया। तो चलिए इसी में से ऐसे बीच सेंटर में लेके इसी में से एक वायर लेंगे हम, कोई एक वायर लेके इसी से हम इधर बांध देंगे अच्छे से, इसको प्लेट के नोट्स लगा देंगे, फिर नीचे बेल्ट लगा देंगे। अभी देखिए बांध के हम इसको तैयार कर दिए, ये इधर नोट्स लगा दिया मैं एक वायर से, तो इसको हम इतनी लेंथ देकर ये कट कर देंगे।
ये देखिए बराबर कट कर दिए, तो नीचे से भी ये पूरी टोकरी भी अच्छी लगेगी, नीचे से भी ये सुंदर लगेगा। तो चलिए इसमें हम बेल्स लगा, चाहे तो हम लगा भी सकते हैं, नहीं तो नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं इसमें बेल्स लगाऊंगी। अभी देखिए बेल्स लगाने का तरीका, हम ये दो वायर पकड़ेंगे, एक में ये बेल्स डालेंगे और फिर इसको लाइटर की मदद से इस तरीके से हम जॉइंट कर देंगे, ये ऐसे, ये इस तरीके से। तो इसमें जितनी भी बेल्स लगेंगे इतनी हम इसी ही तरीके से लगा देंगे। ये देखिए ऐसे, ये नीचे बेल, जैसे कि हमें प्लांट लगा रखे इसमें, ये पूरे को यहाँ तक तो ढक लेगी, तो थोड़ी बेल्स नीचे दिखेंगी तो अच्छी लगेगी डिजाइन। अभी देखिए फ्रेंड ये बनके कंप्लीट हो गई, नीचे मैंने ये बेल्स मोती लगा दिया क्योंकि नीचे ये अच्छा लगेगा, अगर खाली छोड़ते तो हम अच्छा नहीं लगता। बहुत सुंदर अपनी ये बनके तैयार हो गई, और इसको बहुत सिंपल तरीके से बनते हैं, ऐसे भी नहीं है ये कैसे बनाएंगे, कोई भी इसको बना सकता है। रस्सी इसमें जैसे कि मैंने चार दी है, ये डिजाइन दी है, नहीं कोई इसमें मोती वगैरह लगा कुछ भी, बस ये नीचे ऐसे ही मोती लगा दिया मैंने, कुछ मोती बेल्स ऐसे शो के लिए। और ऐसे ये घर में प्लांट लगाने के लिए हम डेकोरेट के लिए ये बना सकते हैं। अरे देखिए ज़्यादा बड़ी भी नहीं बड़ी, इसमें ज़्यादा मैं क्रीम भी नहीं लगाए, एक लच्छी में बनके तैयार हो गई, सिर्फ इसमें एक रिंग लगी है और 12 से 13 ये बेल्स लगे हैं, बहुत ही सुंदर बनके तैयार होगी। देखिए मैंने ये पहली भी वीडियो अपलोड कर रखी है, इसमें देखिए बोतल में हम मनी प्लांट लगा रखे, अभी लगाई है मैंने, तो ये भटके भी मतलब ऊपर भी जा सकती इसको पकड़ के कवर करके। ये देखिए पहले मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है इसकी भी, देखिए ये भी टोकरी बना रखी है, दो रिंग की टोकरी है, और इसमें देखिए जैसे कि इसमें भी प्लांट लगा रखे हैं हम, जो ये भी छाया का ही प्लांट है अंदर लगाने का ही, तो ये दोनों साइड देखिए इस तरीके से। तो ये 6 रस्सियों की है ऊपर की, यही डिजाइन इसकी देखिए, ऊपर भी हम रिंग लगा के इसको स्टार्ट करे थे, और ये इस तरीके से देखिए बना के हम घर में ही ये लगा रखे प्लांट। ये देखिए घर में प्लांट लगाए बहुत अच्छे रहते हैं वैसे, तो इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है वैसे मैंने, येलो और रेड इसमें दोनों मिक्स करके ये, और 6 रस्सी इसमें, वैसे भी रेडीमेड फ्लावर भी रख सकते हैं हम, लेकिन मैं इसमें प्लांट ही लगा रखी हूँ। अगर फ्रेंड आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और फिर भी आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, मैं फिर से समझाऊँगी अच्छे से। बेल आइकन को जरूर दबाएं, मैं जो भी वीडियो डालूं न्यू तो आपके पास पहुंच पाए सबसे पहले। थैंक यू।